अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है देवरिया कांड पर सबसे बड़ी चर्चा करने का। देश में आए दिन अपराध को बढ़ते देखा जा रहा है, लेकिन देवरिया की घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है और ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या एक जमीन का टुकड़ा किसी इंसान के जान से ज्यादा कीमती है। क्या दुनिया से इंसानियत खत्म होती जा रही है और किसी को भी किसी के जान की परवाह नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवरिया कांड की। बता दे, देवरिया नरसंहार की चर्चा 2 अक्टूबर से ही पूरे देश में हो रही है। जमीनी विवाद को लेकर सूरज उगने के साथ ही खूनी खेल के नजारे ने पूरे जिले को हिला कर रख दिया, क्योंकि ये घटना तब घटित हुई जब पूरा देश नींद की आगोश में सो रहा था। बता दे, इस घटना में कई अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी अब भी जारी है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र कुमार मिश्र जी, परशुराम सेना से सुनीता राजभर, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से अभय प्रताप शुक्ल, स्वर्ण आर्मी से दीनबंधु सिंह भाजपा मंडल अध्यक्ष, मेराज अब्दुल्ला बागी सपा से। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल हमारा देवेंद्र जी आपसे है, सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या दुनिया से इस कदर इंसानियत खत्म हो गई है जहां एक थप्पड़ का बदला पूरे परिवार को खत्म करके लिया जाता है। देवेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है? अभय प्रताप जी, आप जवाब दीजिए कि क्या ये तरीका जो था ये सही था कि एक थप्पड़ कोई मारे तो उसके बाद उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाए और फिर बदला लिया जाए? जी देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जी, और हम लोग जब जिसकी इतनी जितनी निंदा करें वो कम पड़ेगी जी। और मैं बता दूं कि जब से उत्तर प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वजूद में आई है जी, आए दिन ब्राह्मणों की हत्या हो रही है जी, और माननीय मुख्यमंत्री भी जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं जी, और सबका साथ सबका विकास की वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है जनता से करती हुई आई है जी। लेकिन जब से सरकार, हम बताते हैं कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी जब मुख्यमंत्री बने हैं जी, आए दिन लोगों को टारगेट करके उनपे हमले किए जा रहे हैं, ब्राह्मणों के घर बुलडोजर चल रहा है, ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही है और सरकार जो है कह रही है कि हमारा जीरो टॉलरेंस नीति पे चल रहे हैं, सभी लोग विकास हो रहा है जी। सरकार लगातार एक ही दावा करती है कि वो अपराध मुक्त भारत बना रही है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बना रही है, लेकिन जो सवाल है सबसे बड़ा यही है कि क्या यही अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है और इस तरह की घटना किस तरह से देखा जा सकता है इसको? सुनीता जी। जी सोनाली जी, जी तुमने जो सवाल किया है ये सवाल आपका वाजिब है जी। देवरिया हत्याकांड की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है जी। हाँ, ये तो हमारे जनपद देवरिया का दुर्भाग्य है कि हम लोग इस तरह के नरसंहार को देख रहे हैं। एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए लोग जो है कि छे छे जान गवा दिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये घटना घटने के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी दोनों परिवार में गए जी। और जाने के बाद हम लोग को संवेदनाएं व्यक्त किए वहां दोनों परिवार में। सबसे पहले हम लोग सत्य प्रकाश दुबे जी के यहाँ गए, वहां पे कोई नहीं था जी। और फिर हम लोग उसने घर आए, वहां पे बातें हुई। देखिए सोनाली जी, ये जी। देश संविधान से चल रहा है, किसी ना की व्यक्ति से, और जितनी भी त्रुटियां जिसके में पाई गई हैं, कुछ जो है कि पुलिसकर्मी, कुछ अफसर जो है कि अपना जो सस्पेंड हुए हैं, आप देख सकती हैं सारी चीजें चल रहा है, जिसमें गलतियां पाई जाएंगी उसको
लगता है कि दोषी वो होगा, उसको जो है कि प्रशासन शासन जो है कि उसको सलाखों के पीछे ढकेलने का काम करेगी। और लगातार इस पे जो है कि एक्शन लिया जा रहा है, आप देख सकती हैं आपके सामने है सोनाली जी, और इस पे लगातार कंटिन्यू एक्शन लिए जा रहे हैं देवरिया की घटना पे। और मुझे लगता है कि जहां तक मेरा व्यक्तिगत विचार है, इसमें जो निर्दोष व्यक्ति लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जो है कि प्रशासन के द्वारा मैं चाहूंगी कि जल्द से जल्द जो है कि उन लोगों को बाहर किया जाए और जांच करके, और जो लोग मेन दोषी हैं जिनके वजह से ये 6-6 हत्याएं हुई हैं, इतना बड़ा नरसंहार हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में, मेन दोषियों को जो मुख्य आरोपी है जिसके वजह से इतना बड़ा घटना हुआ, उसको सलाखों के पीछे ढकेलने का काम किया जाए, उसको सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाए। सोनाली जी जी, लेकिन यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि क्या पुलिस प्रशासन, क्योंकि ऐसा सुनने में आया था कि जो सत्यप्रकाश जो मतलब जिनकी हत्या हुई है उन्होंने ये कहा था कि हमारी जान को खतरा है और हमारी जान जा सकती है, हमारे परिवार को खतरा है, फिर भी पुलिस ने ये बातें नहीं सुनी और इन चीजों को अनदेखा किया और उसके बाद इस तरह की घटना घटित हुई और इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा नरसंहार सामने आया। बिल्कुल सोनाली जी, मैंने आपसे बताया है कि जिन जिन लोगों ने इसमें लापरवाही बरती है उन लोगों को उसकी सजा मिली है जी। बिल्कुल सस्पेंड हुए हैं लोग, उसकी सजा उन लोगों को मिली है, निश्चित रूप से मिलना चाहिए ऐसे लोगों को, जिन लोगों को पहले से आगाह करा दिया जाए कि हमारे जिले में, हमारे गांव में, हमारे ब्लॉक में जो है कि इस तरह की घटना होने वाली है और इस पे प्रशासन एक्शन न ले, तो उसके लिए जो है कि कठोर से कठोर एक्शन लिया गया है, ये आपके सामने है सोनाली जी। जी बिल्कुल। तो हमारा सवाल अब सर आपसे है कि दीन बंधु जी, हमारा सवाल अब आपसे है कि क्या योगी सरकार हमेशा बुलडोजर की बात करती है और बुलडोजर का जो डर है वो अब अपराधियों में दिख नहीं रहा है, तो फिर क्या इस तरह तो सूबे का प्रशासन कमजोर होते जा रहा है, तो आप किस तरह से, आप लोग किस तरह से इस चीजों को हैंडल करेंगे? बिल्कुल, प्रशासन की कहीं ना कहीं चूक रही है, लेकिन बुलडोजर का डर दिखेगा जी, चलेगा जहां भी, गलत दिखेंगे लोग, गलत होगा। अभी प्रशासन के और शासन के द्वारा ये पैमाइश हुई है उनके जमीन की, खलिहान के जमीन पे उनका घर बना है, बुलडोजर चलेगा, जब भी न्यायालय के द्वारा आदेश आएगा बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर का डर दिखेगा। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है, परम पूज्य महाराज जी द्वारा, कोई भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये तो आप कह रहे हैं ना कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, ये सच्चाई तो नहीं है, क्योंकि सच्चाई जो है वो कुछ और ही दिख रही है देश में, प्रदेश में जो घटित हो रहा है वो कुछ और ही घटित हो रहा है, इस तरह के अपराध ये जीरो टॉलरेंस में कहाँ आते हैं दीन बंधु जी? देखिए अपराध के बाद उस पर कार्रवाई कितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है, यह जी होती है। हमारी सरकार चल रही है, तुरंत कार्रवाई हो रही है, पिछली सरकारों का आंकड़ा आप लेंगे तो कार्यवाही में इतनी धीरे होती थी कि जो मतलब पीड़ित परिवार होता था, पीड़ित परिवार कार्रवाई के आस में वह अपनी उम्र खपा देता था, तब भी उसके उसका उसका न्याय नहीं मिलता था। लेकिन हमारी सरकार 7:20 पे अगर हत्या होती है और 8 सरकार जागरूक होती है और पूज्य महाराज जी का ट्वीट आता है, पोस्ट आता है, 8:30 पोस्ट आ जाता है और दुख वेदना व्यक्त करते हैं और वहां से लखनऊ से अधिकारी चल देते हैं जी। मेरा जी, आप जवाब दीजिए, आप किस तरह से देखते हैं बुलडोजर एक्शन को और जो शासन प्रशासन है उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त, जीरो टॉलरेंस की हमेशा बात होती है, आप इस हत्याकांड को किस तरह से देखते हैं, इस नरसंहार को किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल मानवता जी, मानवता को। मेरा जी, हमारा सवाल आपसे है, अभी तक देवरिया जनपद में 6 हत्याकांड नहीं देखा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक,
ठीक है दीन बंधु जी, अब जवाब हम सवाल पूछ रहे हैं मेराज जी से। मेराज जी, हमारा सवाल अब आपसे है कि क्या ये जो आप, पहले तो अपना माइक जो है वो अनम्यूट कर लीजिए। मेराज जी, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। मेराज जी, हमारा सवाल सुना आपने, हम पूछ रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन किस तरह से सही है और कितना सही है, और उसके अलावा अगर बात की जाए जीरो टॉलरेंस की, अपराध की, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की, तो आप क्या सोचते हैं कि ये किस तरह का अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है और इस तरह के नरसंहार को आप किस तरह से देखते हैं? और जैसा कि अभी दीन बंधु जी ने भी बताया कि जो सरकार है वो जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, तो क्या यही है जीरो टॉलरेंस? सुनीता जी, हमारा अब आप जवाब दीजिए, इस सवाल का जवाब आप दीजिए सुनीता जी, कि क्या ये जीरो टॉलरेंस सरकार है, जीरो टॉलरेंस उत्तर प्रदेश है, और जीरो टॉलरेंस इस तरह का होता है? सोनाली जी, निश्चित रूप से मैंने आपको भी कहा है कि जो दोषी होंगे निश्चित रूप से उन लोगों को सजा दी जाएगी जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के राज में उत्तर प्रदेश जो चल रहा है अभी माहौल, आप देख सकती हैं कि काफी जो है कि काफी सालों से, काफी वर्षों से इस उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुए, और इस घटना में जो जनपद देवरिया की घटना है, इस घटना में निश्चित रूप से माननीय योगी जी कुछ सोच के और कुछ बड़ा करेंगे, और मुझे लगता है कि न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि ये आदेश मैंने अभी कहा है आपसे पिछली बार कि यह आदेश संविधान से चलता है, और मैं यही चाहूंगी कि दोनों परिवार को न्याय मिले, कहीं ना कहीं कानून और नियम से सारी चीजें जांच हो, पड़ताल हो, और जो दोषी हो, जो इस नरसंहार का दोषी हो, जो इतना बड़ा जो है कि नरसंहार जिसके वजह से हो गया, उसको कड़ी से कड़ी सजा देने का ये काम करे शासन और प्रशासन। मैं तो बस यही कहना चाहूंगी आपसे कि परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी इस पे बड़ा एक्शन लेंगे, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है, ये भी उम्मीद है कि वो न्याय करेंगे, और न्याय जैसे भी करना होगा, मुझे उम्मीद है कि देवरिया की जो भी जनता है, जो सम्मानित जनता है, उनके उनके इस न्याय से जरूर कहीं ना कहीं खुश होगी और बेहतर तरीके से न्याय मिलेगा। नहीं तो न्याय मिल जाने का मतलब और बुलडोजर एक्शन होने का मतलब सुनीता जी ये तो नहीं कि किसी परिवार के छह लोगों की जान चली जाए और जो शासन और प्रशासन है उसका भय ना रहे लोगों में, और आज तक दंगे नहीं हुए, इसका मतलब ये तो नहीं कि उत्तर प्रदेश में जो है अपराध होना बंद हो गए हैं। सुनाली जी, निश्चित रूप से इस नरसंहार में इतना भय है जी, कि हम लोग जब गए थे तो तीन गांव के लोग उस गांव को छोड़ करके पलायन कर चुके हैं। सुनाली जी, हमने देखा वहां पे दर भदर गरीब महिलाएं भटक रही हैं, रो रही हैं इस नरसंहार को लेकर के जी। और रही बात बुलडोजर की, तो ये निर्णय प्रशासन करेगी कि कौन गलत है कौन सही है, ये मेरा फैसला नहीं है, आपका फैसला नहीं है। अब यहां पे हमारा सवाल अब आपसे है सुनीता जी के जो जितने भी ये जवाब दे रही हैं, जितने भी सवाल कर रही हैं सुनीता जी की बातों से, क्या सच में आप सहमत है? क्या वो सही कह रही है कि सरकार जो है वो काम कर रही है और वो उन्होंने अभी तक दबंगों पर नकेल कसी है, लेकिन ये जो घटना है वो तो एक आम घटना की तरह घटना घटित हो गई वो जैसे तैसे, लेकिन जो सरकार है वो काम कर रही है? देखिए, हेलो अभय जी, जवाब दीजिए जी। जो सुनीता जी ने कहा है जी, ये उत्तर प्रदेश सरकार जो है देवरिया में केवल खानापूर्ति कर रही है राजनीति के नाम पर, और केवल इसमें दो संप्रदाय को लड़ाने का काम किया जा रहा है जी। यह जो कार्रवाई, जो इतनी बड़ी घटना होने के बाद जो कार्रवाई सरकार ने किया है, अगर ये कार्रवाई अगर जो है कि सत्यप्रकाश दुबे के परिवार ने जो कम्प्लेन दिया था जी, वो अगर उस पर पहले अगर एक्शन किया गया होता तो कहां से इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं मिला होता जी। आज जो है देवरिया में इतनी बड़ी घटना, एक पूरा परिवार खत्म हो जाता है, उसके बाद जो है सरकार नींद से जगती है जी, तो क्या मतलब है? प्रशासन के पास इतनी एप्लीकेशन पड़ी कि उसको कार्रवाई करने के लिए, तो प्रशासन उनके तत्कालीन वहां के जो क्षेत्रीय विधायक थे, वह कार्रवाई न करके इस इतने बड़े घटना के अंजाम को देखने के लिए व्याकुल थे।
लेकिन सुनीता जी तो इस घटना को आम घटना बता रही है। दीन बंधु जी, देवेंद्र जी, हमारा सवाल अब आपसे है। देवेंद्र जी, सबसे बड़ा सवाल तो आपसे है कि जो सुनीता जी हैं वो इस घटना को आम घटना बता रही हैं, और जो है बात है, मेन बात है इस चर्चा में कि वो सरकार को कह रही है कि सरकार अपना काम कर रही है, योगी सरकार में अभी तक कोई अपराध नहीं हुआ है, और अपराध को जो है वो पहला अपराध है अब हो रहा है। मैंने ये कहा कि घटना से लोग आपको शायद मेरी आवाज जा रही हो, तो मैंने ये कहा कि इस घटना से लोग इतने भयभीत हैं कि तीन गांव के लोग, गरीब समाज के लोग, गरीब दबे कुचले जो लोग हैं वो गांव छोड़ करके। दीन बंधु जी की बातों को सुन ले सुनीता जी, अब हम जवाब भी तो सुन लेना, सवाल हुआ है तो जवाब भी तो सुनना पड़ेगा। मेरी बात सुनिए सुनीता जी, जी 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 बताइए। अब मेरी बात सुनिए, आपने जो कह दिया ना ये आम घटना है, ये आम घटना नहीं है। बताइए, कहा जाता है कि ये कहा जाता है ना कि जिनकी ना फाटे पांव ब्याई वो क्या जाने पीर पर आई। जिनको तकलीफ होती है उनको समझ में आता है। ब्राह्मण परिवार को बकरों के जैसा काटा जा रहा है, ऐसी देवरियां भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद कई ऐसी घटनाओं का मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ, जहां पर जाकर इन घटनाओं की सुनवाई किया गया। हत्याकांड का यही मामला था, बिलासपुर का यही मामला था, भागलपुर में शंकर पांडे की हत्या का यही मामला था, और आज जो आपको दिख रहा है ये देवरिया में ये भी यही मामला है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कई मामले आ गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर जो है 2014 से ये मामला चल रहा था तो सरकार सोई थी, प्रशासन थोया था, शासन सोया था, कहां था शासन? 2014 से लेकर के 2023 तक उस जमीन की विवाद चली है, अगर यह बीच में सुनवाई हुई होती तो आज ये हत्या नहीं हुई होती। तो सबसे बड़ा दोषी तो इसमें शासन प्रशासन के लोग हैं। और इसी बीच अखिलेश यादव का एक बयान भी आया था देवेंद्र जी, अखिलेश यादव जी का एक बयान भी आया था इसी बीच में कि बुलडोजर एक्शन कहां तक सही है, बुलडोजर एक्शन करना गलत है, बुलडोजर एक्शन नहीं करना चाहिए, इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, ये बयान आपने देखा था। मैं आपको एक बात बताऊं जी, जो सच्चे तरीके से काम करने वाले लोग हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है जी। मेरे घर पे आकर के माननीय योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर चलवाएं किसी अपराध में, जब देखते हैं कि हमारा क्या तोड़वाते हैं वो जी। क्यों? अगर मैं अपराधी हूं तो जाहिर सी बात है मुझे इस बात का भय है कि मेरा घर टूटेगा जी। अगर मैं सरकारी जमीन को छेका करके अपना मकान बनाया हूं, सरकारी जमीन कब्जा करके मैं उस पे अपना घर बनवाया हूं, तो जाहिर सी बात है हमारा टूटेगा, फिर हमें तकलीफ किस बात की हो रही है जी। अगर हमें इन सब चीजों से बचना है तो मैं अपराध ना करूं, और अगर अपराध करता हूं तो फिर इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये तकलीफ तो तब आ जाती है ना देवेंद्र जी, क्योंकि जो है सरपंच बनाया गया था सपा की ओर से, जो है वो पंचायत सदस्य बनाया गया था, जिला पंचायत सदस्य बनाया गया था प्रेमचंद को, सपा की ओर से टिकट दिया गया था, तो यहीं पर सबसे बड़ा जवाब आपको मिल जाना चाहिए ना। मैं बस इतना कहना चाहूंगा जी कि वो प्रेम प्रकाश यादव जी की हत्या हुई है ये भी अच्छी बात नहीं है जी। और अगर दुबे जी के परिवार की हत्या हुई है छह छह लोगों की, ये भी अच्छी बात नहीं है जी। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 2014 से लेकर के और 2023 तक जब ये विवाद था इस जमीन का जी, उस वक्त दुबे जी ने कभी प्रेमचंद्र यादव की हत्या नहीं किया, तो आखिर वजह क्या हो गई कि दुबे जी को प्रेमचंद्र की हत्या करना पड़ा? अगर ऐसा लोग कहते हैं तो कि उन्होंने हत्या किया है, मैं मानता हूं कि अगर उन्होंने हत्या किया तो आखिर वजह क्या आ गई? जाहिर सी बात है तो है कि दुबे जी गए जाकर के उनको मार दिए, कोई तो कारण हुआ होगा वहां, कोई तो देखने वाला होगा उस विवाद को। हाँ, अगर कोई दूसरा इस व्यक्ति को, कौन वह तीसरा व्यक्ति है जिसने जाकर के उनके घर पे यह सूचना दिया है, उसको कैसे दिखाई चीज की घटना है? तो लोग बारीकी पर जाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। अगर वहां यादव जी की हत्या हुई तो ये भी दुखद घटना है, और अगर दुबे परिवार की हत्या हुई ये भी दुखद घटना है, लेकिन कारण सवाल ये है कि सरकार अपनी दोष को आखिर क्यों ले जाकर के दूसरे जगह पटकना चाहती है, या क्यों नहीं मानती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हमारे अंदर बैठे हुए जितने भी अधिकारी हैं ये करप्ट हैं, या काम नहीं करना चाहते हैं और ना ये जल्दी समाधान करना चाहते हैं जी, इस बात पर क्यों ध्यान नहीं देती है सरकार? लेकिन एक और सवाल उठता है ना इसी बीच की, सरकार अपराध और अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की बात करती है हमेशा, है ना देवेंद्र जी? सरकार हमेशा यही बात करती है कि उन्होंने अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया है, लेकिन ऐसे कृत्यों पर जवाबदेही किसकी होगी? हमें बात बताइए, मैं आपकी बात सुन लिया, मुझे एक बात बताइए,
अगर दिन अगर पूरे 100 अपराध हो रहे हो और 100 अपराध में से 10 अपराध को रोक दिया जाए और 90 अपराध हो रहे हो तो क्या इसको हम मान लेंगे कि अपराध कम हो गया? अभी 90 अपराध तो हो रहे हैं ना, आप अपराध मुक्त कर रहे हैं तो अपराध मुक्त करिए ना। अब जवाब दीजिए सुनीता जी, अब जवाब दीजिए कि मतलब 100 अपराध हो रहे हो जैसा कि सवाल पूछा देवेंद्र जी ने, अब जवाब दीजिए इसका आप। जी ये फैसला करने वाले यहाँ पे कौन गलत है कौन सही है, ये फैसला करने वाले हम नहीं है। कौन अपराधी है कौन अच्छा है ये फैसला करने वाले हम नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो ये घटना हुई है देवरिया जनपद में, इसमें शासन प्रशासन जो कार्य कर रही है उसका लास्ट निर्णय उसका होगा, कानून को माना जाएगा। कानून जिसको दोषी ठहराएगा उसको हर कोई मानेगा। ये मेरा विषय नहीं है कि सीएम का विषय नहीं है कि हम कह दें कि नहीं दोषी यही है। दुखद है ये बात कि एक घर से 5 लाख निकलती है और एक घर से 1 लाख निकलती है। दुख दोनों परिवार में होता है, घटना दोनों परिवार में होती है। लेकिन ये फैसला लेने वाले हम नहीं है कि चाहे जो भाई बोल रहे हैं वो नहीं है कि वो डायरेक्ट कह दे कि नहीं दोषी ये लोग हैं। उस पर बारीकी से जांच हो रही है और जांच निश्चित रूप से होगी और जो दोषी जो लोग पाए गए हैं और जो लोग अभी भी पाए जाएंगे उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सोनाली जी निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, इसमें कहीं से चूक नहीं होगी। अपना जो भी फैसला लेगा बेहतर लेगा। जी देवेंद्र जी, जी जी देवेंद्र जी मेराज जी, अब आपसे है कि क्या देवरिया नरसंहार में आरोपितों के आशियाने पर बाबा का बुलडोजर चलने से सजा मिल जाएगी अपराधियों को और क्या इससे मरने वालों को न्याय मिल जाएगा? सबसे पहले पैनल के सभी लोगों को नमस्कार जी। और आधे घंटे से हम सुन रहे हैं, अब विपक्ष भी कुछ चीज होती है, आपसे निवेदन है कि कुछ वक्त हमको भी दीजिएगा। जी 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 जरूर। मैं स्वर्ण सेना और परशुराम सेना के साथियों को भी बहुत धन्यवाद देता हूं और उनको बधाई देता हूं और उनकी बातों का पूरा समर्थन करता हूं कि वो अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखे, इसके लिए धन्यवाद। मैडम इस घटने का पूरी की पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी है, दूसरा कोई नहीं है। आपको मैं बता दूं, जब प्रेमचंद यादव की हत्या हो जाती है सबसे पहले दुबे जी ने सरकार को अपना पत्र दिया। चूंकि दुबे जी एक गरीब परिवार के ब्राह्मण थे और अगर वो गरीब परिवार के ब्राह्मण थे तो उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, यही सबसे मुख्य कारण उनका था। अगर वो भी पैसा देते और सरकार को मोटी रकम देते तो उनकी भी सुनवाई होती, सिर्फ पैसे के अभाव में उनकी सुनवाई नहीं हुई और कमजोर के वजह से सुनवाई नहीं हुई और इसके वजह से उनको ये बताइए रुद्रलपुर थाने से और घटना जो फतेहपुर हुई है उसकी कुल दूरी 16 से 20 मिनट की है, आप रास्ते देख लीजिए। हम लोग दोनों परिवारों को संवेदना व्यक्त किए, दोनों परिवारों तक गए। अगर किसी कारणवश दुर्घटना से प्रेमचंद यादव की हत्या हो गई तो एक घंटा तक प्रशासन क्या कर रहा था? ये इंतजार कर रहा था कि दुबे परिवार की नरसिंह हत्या की जाए, ये प्रशासन का काम है कि एक घंटा क्या किया, वो पूरा मौका दिया कि ब्राह्मण परिवार की भी हत्या हो जाए, एक जनाक्रोश का और ये साजिश का शिकार ये दुबे परिवार हो जाए। ये घटना का अंजाम सरकार के प्रशासन के लोगों की घोर लापरवाही है। मैडम आपको हम बताएं कि इस घटना को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रंग देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये सारा काम कर रही है। और सवाल आपसे ये है, ये बताइए सारे लोग उन गरीब परिवारों को संवेदना देने के लिए अपने अपने तरीके से लोग आए, सबको अच्छी बात हो, सबको संवेदना देनी चाहिए। मैडम आप बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी घटना के दिन गोरखपुर थे, जिसकी दूरी 30 से 40 किलोमीटर है। अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव जी 16 तारीख को देवरिया आ रहे हैं उन दोनों परिवारों को मिलने के लिए। लखनऊ से कोई आ रहा है, कोई इटावा से आ रहा है, पूरा देश इस घटना से मर्माहत है, इस नर
घटना ना कहिए, इसको नरसंहार कहिए। इस नरसंहार से सारे लोग मनमाहत हैं। लेकिन आप बताइए, आप जो बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी जा रहे संवेदना देने, अब हम अखिलेश यादव जी के ही एक बयान की बात कर लेते हैं कि उन्होंने अभी बयान दिया था कि वो माहौल खराब करने का काम किया जा रहा है, जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है वो माहौल खराब कर रहा है। तो क्या लगता है कि अपराधियों को सजा नहीं मिलनी चाहिए, अपराधियों के लिए इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और आपको बताएं, अभी तक जिले के कोई महत्वपूर्ण पद पे कोई अधिकारी अभी तक सस्पेंड नहीं हुआ जी। अगर ये जो आज नापी चल रही है वो नापी आज के 4 साल पहले हो गई होती, समय से हो गई होती, तो ये नरसंहार होता? दूसरी बात ये है, मुख्यमंत्री जी ने, आप बताइए, इतनी बड़ी घटना के बाद से कोई भी जन योजना का लाभ आपने किसी व्यक्ति को नौकरी, किसी घर, किसी व्यक्ति को जो है आवास, किसी व्यक्ति को कुछ, किसी भी परिवार को अगर दिए हो तो बता दीजिए। आप बताइए, लापरवाही शासन कर रहा है, प्रशासन कर रहा है और पूरी सरकार कर रही है। ये सरकार बेशर्मी पे आ गई है और वो जातिवाद राजनीति पे अपने सुविधा के हिसाब से। भाई साहब ने सही कहा कि वो 10% लोगों के साथ, वो 10% लोगों के साथ, तो वो अपने सुविधा के साथ मैडम, एक मिनट, जहां से उनको सुविधा बनेगा उस सुविधा से वो कार्रवाई करेंगे, जहां सुविधा नहीं बनेगा उनको कार्रवाई नहीं करेंगे। यही सरकार की मंशा है और यही, और इसमें सारी जो है गोदी मीडिया उनके साथ काम कर रही है। माफ करिएगा, मैं गोदी मीडिया कहा, मैं व्यक्तिगत किसी को नहीं कहा। तो ये उनके कार्यों को जो है दीनबंधु जी, आप क्या जवाब देंगे इन आरोपों का? आपको जवाब देना चाहिए कि इन आरोपों का आप क्या जवाब देंगे दीनबंधु जी, कि गोदी मीडिया इसके लिए काम कर रही है और कोई इस पर सवाल नहीं उठा रहा है, सरकार के खिलाफ इतनी सारी बातें आ रही हैं कि प्रशासन ने काम नहीं किया, 4 साल पहले ही इस पर कार्रवाई हो सकती थी और अभी तक किसी को सस्पेंड भी नहीं किया गया, प्रशासन कह रही है कि वो काम कर रही है। दोनों जो भी लोग शासन और प्रशासन के मुख्य लोग के सारे लोग सस्पेंड हो चुके हैं 2014 से, पुराने लोग, कहीं बाराबंकी में लोग इस समय है, कहीं है, सारे लोग हो चुके हैं। और मैं विरोधी पक्ष को एक सजेशन देता हूं, जब यह बात करते करते जाते हैं तो मोदी भक्त और मोदी मीडिया दो ही चीज आता है इनके पास। अपने कार्यकाल को मैं देख ले कि क्या उन्होंने किया, न्याय नहीं मिला है आज तक। 2014 से अगर कह रहे हैं लोग, 2014 में राज्य की सरकार अगर देखा जाए तो माननीय अखिलेश जी की थी और माननीय अखिलेश जी का जो भ्रमण कार्यक्रम में अभी मेहराज जी ने कहा जी। तो भ्रमण कार्यक्रम प्रेमचंद यादव जी के वहां है, उनका उनके बैठ के आया है प्रदेश अध्यक्ष जी के जी। केवल वह प्रेमचंद यादव जी के श्रद्धांजलि सभा में भ्रमण कार्य देवरिया में भ्रमण करेंगे और जाएंगे जी। दोनों परिवार को नहीं देंगे। और जातिवादी पार्टी, राजनीतिक पार्टी कौन है यह निर्णय जनता कर रही है। हम दोनों परिवार को संवेदना व्यक्त कर रहे हैं जी। यह घटना नहीं होनी चाहिए। मैं व्यक्तिगत, मेराज जी आप जवाब दीजिए कि सत्य प्रकाश के घर का दौरा करने जा रहे हैं, वहां संवेदना देने जा रहे हैं, या फिर प्रेमचंद के घर का दौरा करने जा रहे हैं, वहां संवेदना देने जा रहे हैं? और ज्यादा जो है वो किसके साथ जो है? मैडम आपको जानकारी होनी चाहिए जी। और मेरे भाजपा के साथी को भी जानकारी होनी चाहिए, भाजपा के साथी को। ये सोशल मीडिया एक डेलीगेट बना जिसमें देवरिया जनपद के सभी हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, और डेलीगेट पूरा गया और उसने दोनों परिवार के वहां जाके संवेदना दी जी। दूसरे दिन प्रशासन के सारे हमारे सवालों का अभी जवाब कर रही है मेरा जी। हमने आपसे अभी इससे पहले एक सवाल किया था कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन हो रहा है तो माहौल खराब हो रहा है, इस तरह के एक्शन नहीं होने चाहिए। आप लोग खुद ही बता रहे हैं कि ये एक्शन गलत है, अपराधियों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि कार्रवाई ना हो किसी के ऊपर? अफसरों के ऊपर क्यों नहीं हो रहा है? जिन अफसरों से इतना बड़ा नरसंहार हुआ, सस्पेंड कर देना कार्रवाई के रूप में ही आता है। 4 साल पहले ये नापी हो गई होती तो ये शासन प्रशासन के लोग, इतना बड़ा नरसंहार हो गया
बुलडोजर क्यों नहीं चला? तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि जिस जो पुलिस है उसके घर जाके बुलडोजर चलवा दिया जाए और जिसने कत्ल किया कत्ल करवाया उसके घर बुलडोजर ना चले? आप ये चाहते हैं मेरा जी? नहीं नहीं बात सुनिए, बुलडोजर चले कि नहीं चले ये हमारा सवाल नहीं है। सवाल ये है, लेकिन हमारा सवाल यही है कि अखिलेश यादव जी ने आखिर ये क्यों कहा कि बुलडोजर एक्शन हो रहा है तो माहौल खराब हो रहा है? अरे कार्रवाई तो होगी ना, कार्रवाई बिल्कुल उस समय आप प्रशासन के लोगों पे जरा कार्रवाई करा दीजिए उस समय नहीं, आप ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि प्रेमचंद की हत्या के एक घंटे बाद आप पूर्व पहुंच लेके पहुंच रहे हैं। आप इंतजार कर रहे थे क्या कि दुबे परिवार का 5 लोग नरसंहार हो जाए? आपके पास क्या तंत्र है, आपके पास क्या खुफिया तंत्र है? आपके मुखबिर कहाँ है कि एक हत्या हो जाती है, एक प्रधान की हत्या, एक जिला पंचायत की हत्या हो जाती है और 16 मिनट दूर आपका परिवार है, इसलिए आप बैठी हैं कि आपका हत्या हो जाए वो ब्राह्मण परिवार का, इसीलिए पुलिस प्रशासन 16 मिनट के लिए एक घंटा इंतजार करती है और जब हत्या हो जाती है तो आप संवेदना व्यक्त करने जाते हैं। क्यों नहीं वहां बुलडोजर उन अधिकारियों पर चलना चाहिए? इसका जवाब है इन लोगों के पास। और अखिलेश यादव जवाब दीजिए, तीन बंधु जी दोनों परिवार के सवालों का जवाब दीजिए, इसका जवाब क्या है आपके पास? सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी मेराज जी ऐसा कह रहे हैं कि अधिकारियों के घर के ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि अकेले प्रेमचंद के घर पे बुलडोजर चले तो ये तो गलत हो गया ना, अपराधी वो थोड़ी है। जी दीन बंधु जी बताइए। हाँ जी, बुलडोजर चला है आज तक जी, दूसरी सरकार है उत्तर प्रदेश की लाली जोगी जी की जी, जहाँ भी चला है न्यायालय के आदेश से चला है बुलडोजर के खिलाफ। माननीय हाईकोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी विपक्ष के लोग गए, बुलडोजर को हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया कि जो गलत है उसके पे बुलडोजर चलना चाहिए, जो सरकारी जमीन कब्जा किया है उस पे चलना चाहिए। हमारा सवाल ये काफी से है कि अगर बुलडोजर भी चल रहा है तो क्या बुलडोजर चलना ही केवल काफी है आरोपियों के लिए और केवल बुलडोजर एक्शन से ही उनको न्याय मिल जाएगी? निरंतर हो रही है, आगे भी होगी, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ सख्त रवैया अपना के माननीय योगी परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी कार्रवाई करेंगे जी। जवाब दीजिए अभय जी, आप इस घटना को किस तरह से देखते हैं और क्या आपको भी लगता है कि बुलडोजर एक्शन ही सही है और ऐसे कृत्य जो हो रहे हैं समाज में, ये कृत्य को किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज तक जो भी घटनाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश जब से योगी जी के नेतृत्व में जो है सरकार यूपी में चल रही है, तो योगी जी धमकियां देते हैं कि बुलडोजर चलेगा जी। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि जब देवरिया में आज 2014 में जो ये मामला लंबित था जमीन विवाद का जी, उस कार्रवाई न करके आज क्या उत्तर प्रदेश की सरकार और जिला प्रशासन करीब घटना इंतजार में बैठी थी कि हाँ ये घटना घटित होगी उसके बाद हम बुलडोजर चलाएंगे जी। और बुलडोजर अगर जैसे कानपुर की घटना को देखा जाए, विकास दुबे घटना को ले लीजिए जी, तत्काल जो है वहां की उत्तर प्रदेश ने एक्शन लिया और वहां जो है क्योंकि मामला जो उत्तर प्रदेश पुलिस की थी जी, तो वहां तत्काल बुलडोजर चलाने का आदेश कर दिया गया। और आज जो है 12 दिन से घटना हुई है, केवल बुलडोजर की बात की जा रही है कि बाबा का बुलडोजर वहां चला गया है जी। प्रेम यादव के मकान से कुछ ही दूरी पे बुलडोजर खड़ी कर दी गई है, लेकिन केवल बताते हैं कि यहाँ तक जो है केवल राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी यह दोनों अपनी राजनीतिक चटका रही है जनपद में जी। इसके सिवा कुछ नहीं हो रहा, केवल राजनीति की जा रही है जो है किस तरह जो हमारी जो है सत्ता, हमारी जो है सत्ता ब्राह्मण समाज जो है वो किस तरह की कार्रवाई चाहता है अभय जी? देखिए, ब्राह्मण समाज यही चाहता है कि जिस तरीके से आपने पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी आज तक हत्याएं हुई हैं और उस तरह आपने कार्रवाई की है तो यहाँ भी उस तरह कार्रवाई होना चाहिए जी। अगर 5 मरा है तो सरकार जितना भी कठोर कार्रवाई करे वो करे, इस पे राजनीति न हो कि जो हम बुलडोजर चलाएंगे कहने की बातें न रहे।
मेरा जी एक सवाल और है कि ऐसा लोगों का कहना है, देवरिया के लोगों का कहना है कि प्रेमचंद यादव की देवरिया में दबंगई चलती थी, तो दबंगई अगर चलती ही थी उसके बाद ये सारी घटनाएं हुई, तो कहां से आपने अभी अभी कुछ देर पहले कहा था इसी डिबेट में कि मतलब जो प्रेमचंद यादव हैं उनकी हत्या हो जाती है तब पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी, उनके उनके आरोपियों को सजा क्यों नहीं मिली, इतनी सारी बातें आपने कही, तो जब अगर दबंगई प्रेमचंद यादव की ही चलती थी तो सजा किसको मिलेगी? भुगत तो इस पूरे बीच में केवल जो है दुबे परिवार रहा है ना मैडम। मेरा आपसे सवाल है कि अगर प्रेमचंद यादव इतने दबंग थे तो ये जीरो टॉलरेंस की सरकार आज यूपी में लगभग 6-7 साल से चल रही है, ये किस बात का इंतजार कर रही थी? अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई थी, उनके खिलाफ कोई दिवंगत हो गए हैं, नई दिवंगत पे चर्चा करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको वो दबंग थे तो सरकार कितनी मुकदमाएं उनके खिलाफ लिखी है, कितने बार उनको जेल भेजी है, क्यों नहीं इनसे लगाई? आपकी कोई ऐसा मुकदमा बता दीजिए यादव खिलाफ भी, जो वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि थे और किसी दिवंगत व्यक्ति दीन बंधु जी आप बताइए कि ये किस तरह की कार्रवाई है अगर ऐसा हो रहा है, जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही है और सरकार ये भी कह रही है कि हम लगातार अपराध खत्म कर रहे हैं, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश कर रहे हैं, तो देवरिया के लोगों का कहना है कि वहां पर प्रेमचंद की दबंगई चलती थी, तो प्रशासन किस तरह से काम कर रहा था, पुलिस प्रशासन किस तरह से काम कर रहा था कि इस दबंगई को नहीं रोकी गई और इतने बड़े नरसंहार का इंतजार किया गया? कार्रवाई सभी कर सकता है जो कभी कोई एप्लीकेशन देता है, दबंगई उस टाइप की नहीं थी जी। वो चलते भागते फिरते थे, दबंगई उनका जो है अपना व्यवसाय था, व्यापार था, जमीन का वो करते थे उस टाइप का। एक बार मामला आया था जी, उन्होंने देवरिया में एक जमीन कब्जा करने के लिए गया था, इस मामले में उनको लोगों ने जनता ने आक्रोश दिखाया, वो भग गए वहां से, सुना जा रहा है जी। आप माध्यम से, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से ही सुना जा रहा है, पेपर में पढ़ने को आता है। और दबंगई को उसी तरह देख लिया जाता है कि एक साधु यादव को, दुबे जी के भाई को उठा के ले जाते हैं पर्चे पत्र बनवाने के लिए, अपने पर गायब हो जाते हैं, 7-8 साल हो गया नहीं दिखते। दबंगई तो वह तभी देखते हैं आप, इतना दबंगई कि करोड़ों की जमीन मात्र 23 लाख में लिखवा लिया जाता है, 8 बीघे जमीन जी, यह दबंगई। इससे बात दबंगई का मतलब साबुत क्या होगा? अभय जी, एक तरफ सरकार जो है वो बात करती है कि जाति को लेकर वो भेदभाव नहीं करती है, फिर क्या यही अपराध मुक्त भारत है ये, जहां रोज सरकार अपराध के आंकड़े कम हुए यही गिनाती रहती है? यह केवल अखबारों में गिनाई जाती है यह घटना है कि जो है यह है कि यूपी में जब से भाजपा की सरकार है घटनाएं कम होती जा रही है जी। जब ये बताइए FIR लिखा ही नहीं जाएगा तो घटना का रिकॉर्ड कहाँ से आएगा जी? आप जवाब दीजिए इस चीज का दीन बंधु जी। आपने कहा कि एक बार ये चीज, एक चीज आया था सामने कि एक बार उन्होंने ऐसे शिकायत किया था कि उनके जान की खतरा है और जमीनी विवाद है, इसको लेकर के ये सारी चीजें हो रही हैं, तो अब बताइए कि FIR ही अगर नहीं लिखी जा रही है, वहां पर कार्रवाई ही करने की शुरुआत नहीं होगी, जब शिकायत ही नहीं सुनी जाएगी तो सामने कहां से आएगा, उजागर कहां से होगा और कार्रवाई करने की फिर जरूरत ही कहां से है? बिल्कुल मैं इस बात का खंडन करता हूँ, FIR लिखी जाती है, हम लोग भी सामाजिक जीवन जी रहे हैं, हम लोग भी घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, तो ये आरोप तो अभय शुक्ला जी लगा रहे हैं ना, अभय शुक्ला जी आप बताइए। महोदय मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब FIR लिखी जाती है तो इस पे एक्शन क्यों नहीं होती है जी? एक्शन तो होना चाहिए, बिल्कुल एक्शन, बिल्कुल एक्शन होता है, कानून के दायरे में बिल्कुल एक्शन होता है। दीन बंधु जी, अगर एक्शन होता तो ये ना होता ना, इतना बड़ा नरसंहार ना होता। अगर मान लीजिए एक ही FIR कराया गया था तो उस एक FIR को भी बड़े गंभीरता के साथ लेना चाहिए था कि अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि इस वजह से हमारी जान को खतरा है, हमारे परिवार के जान को खतरा है, इस इंसान से खतरा है, तो आपको नहीं लगता है कि सरकार को, जब प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, देवरिया के, देवरिया में पुलिस प्रशासन को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है इस मुद्दे की, क्योंकि एक परिवार के 6 लोगों की जान जाना बहुत बड़ी बात होती है दीन बंधु जी? बिल्कुल बिल्कुल, शासन प्रशासन की उसी घोर लापरवाही का नतीजा है कि निलंबन की प्रक्रिया शुरू हुई है, उनको बर्खास्त किया गया है, जहां भी हैं लोग, जो भी लापरवाही किए उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आगे चल के
और जो भी इसमें मिलेगा, शासन हो प्रशासन हो, जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्तता जिसकी पाई जाएगी, हमारी योगी सरकार छूटने वाली नहीं। तो देखना ये है कि योगी सरकार कब तक इन सारे नरसंहार का बदला लेती है और कैसे कार्रवाई करती है और कैसे अपराधियों को सजा मिलती है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना ने पीछे एक सवाल छोड़ दिया है कि क्या एक थप्पड़ की कीमत पूरे परिवार को जान देकर चुकानी होगी? क्या इंसान जमीन के टुकड़े के लिए इतना बेरहम हो सकता है? इस खूनी खेल की शुरुआत तब हुई जब फतेहपुर गांव के एक लेहाड़ा टोला के रहने वाले सत्यप्रकाश दुबे के दरवाजे पर जाकर थप्पड़ मारना ही फतेहपुर नरसंहार का मुख्य कारण बन गया। दरअसल 2 अक्टूबर की सुबह नरसंहार में प्रेमचंद्र यादव की हत्या के कुछ देर बाद सत्यप्रकाश दुबे और उनके परिवार के 4 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। बता दें, लोगों का कहना है कि सत्यप्रकाश दुबे और प्रेमचंद यादव के बीच बातचीत हो रही थी, जिसमें प्रेमचंद्र को सत्यप्रकाश ने सागौन और मकान की भूमि का हिस्सा देने से साफ इनकार कर दिया। ये सुनकर प्रेमचंद्र आग बगुला हो गया और उसने सत्यप्रकाश को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद पति को बचाने के लिए सत्यप्रकाश दुबे की पत्नी ने वार किया, जिससे प्रेमचंद्र की मृत्यु हो गई। इसकी सूचना के बाद पहुंचे प्रेमचंद्र पक्ष के लोगों ने सत्यप्रकाश, उनकी पत्नी किरण, पुत्री सलोनी और नंदिनी पुत्र गांधी की निर्मम हत्या कर दी। इस तरह की घटना समाज में क्या प्रभाव डालती है और इस घटना में शामिल लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।